हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। तो दोस्तों, बेरोजगार भत्ते की आज लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं, जिसमें महंगाई रात के कैंप में किनको जाना है और किन साथियों को नहीं जाना है। और दोस्तों, आज सुबह से शाम तक की अपडेट में किन किन जिलों का बिल पास हुआ है, तो आज ऑफिस खुलते ही किनको मिली है पहले खुशखबरी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा पेमेंट की क्या सोचना है, तो पेमेंट अब कब तक आएगा, क्या उम्मीद इसकी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या पेमेंट की अपडेट। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और दोस्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाए फटाफट से। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंप जो आज से शुरू हो चुका है, तो उनमें किन साथियों को जाना है और किन साथियों को नहीं जाना है। तो दोस्तों देखो, आपके जहाँ पर जैसे शिक्षा विभाग में और पंचायत विभाग में ड्यूटी लगी हुई है, इंटर्नशिप चल रही है, तो दोस्तों आपके पास कॉल या मैसेज या फिर आपके कार्यालय अधिकारी जब तक आपको नहीं बोलेंगे कि आपको वहाँ पर आपको कैंपों में जाना है, तब तक आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आप नो टेंशन रहे। बाकी हाँ, जब आपके पंचायत या शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, प्रधान अध्यापक, तो वह जब आपको वह बोले कि वहाँ पर कैंप हैं, तो आपको वहाँ पर जाना होगा, तभी आपकी उपस्थिति होगी। तो दोस्तों, तभी आपको जाना है। बाकी आपके अगर ना ही कोई अधिकारी बोले, ना ही कोई मैसेज, ना कॉल, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी इंटर्नशिप वहीं से बनेगी और वहीं से उपस्थिति चलेगी। बाकी दोस्तों, बहुत से साथियों के कमेंट थे कि हमें क्या सभी कैंपों में जाना होगा, तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि सभी कैंपों में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके भी आपके ग्राम पंचायत में जो भी कैंप लगेगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा या फिर अधिकारी द्वारा आपको आदेश दिए जाएंगे कि वहाँ पर आपको जाना है, तो उनसे बात करके आप उन कैंपों में जा सकते हो। बाकी जब तक दोस्तों आपको नहीं बोला जाए, तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, नो टेंशन रहे। बाकी दोस्तों, इसके अलावा बात करें जो आज ऑफिस खुलते ही किन जिलों को खुशखबरी मिली है, तो दोस्तों देखो, आपको भी पता है कि कल संडे था, दो दिन की छुट्टी आ गई थी, इसलिए बिल पास नहीं हो रहे थे। बाकी आज मंडे है, तो आज बिल पास होना शुरू हो चुके हैं, तो आज किन किन जिलों के बिल पास हुए हैं तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट में आपको बताया था जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का जनवरी 2023 का बिल पास हुआ था, तो उन जिलों को मिलाकर 29 जिले हो गए थे। तो दोस्तों, आज किन जिलों का हुआ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो बूंदी डिस्ट्रिक्ट का जनवरी 2023 का मेल और फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है। तो दोस्तों देखो, ये सभी के बिल पास हुए हैं। बूंदी डिस्ट्रिक्ट से जो भी मेरे साथी हैं, वो अपने अपने बिल जरूर चेक करें, और जिनके बिल पास नहीं हुए हैं और उनकी अटेंडेंस भी सही अपलोड हुई है, उसमें भी कोई रिमार्क नहीं है, तो वो थोड़ा वेट कर ले, उनके भी बिल पास हो जाएंगे। बाकी आपको भी पता है कि एक जिले का एक बार में बिल पास कभी नहीं होता, एक दो बार में बिल पास होते हैं, तो आप थोड़ा वेट कर ले, आपके बिल पास हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, इस जिले को मिलाए तो अब तक 30 ऐसे जिले हो जाते हैं जिनके जनवरी 2023 के बिल पास हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, और इसके अलावा बता दें कि दोस्तों, इन 30 जिलों में से 10 जिले ऐसे बच रहे हैं जिनके जनरल ओबीसी और एसटी के बिल बकाया हैं जनवरी 2023 के, बाकी इनके भी बहुत जल्द बिल पास हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अब 3 जिले बचे हैं, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, तो इन तीनों का भी बहुत जल्द बिल पास हो जाएगा, कल परसों में शायद जनवरी के पूरे क्लियर बिल पास हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके अलावा देखो, पेमेंट की बात करें तो दोस्तों, आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और कई वीडियो में बताया था कि बिल और पेमेंट की कोई फिक्स डेट नहीं होती इनकी। दोस्तों, अगर फिक्स डेट होती तो हम आपको कभी के ही बता देते कि उस डेट को आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। बाकी हाँ, ये उम्मीद है कि दोस्तों इस वीक में आपके 100% पेमेंट आने की संभावना है। बाकी देखो, अभी बिल तो पास हो रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं आ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि दोस्तों आपको बहुत निराशा हो रही है, क्योंकि पेमेंट 4-5 महीनों के बचे हुए हैं, तो वो कब तक आएंगे और क्या जनवरी दिसंबर के जो पेमेंट थे वो क्या एक साथ आएंगे। तो दोस्तों देखो, ऐसा है, कई बार आपने भी देखा होगा कि एक एक दिन में 25-25 जिलों का भी पेमेंट आ चुका था, तो देखो पेमेंट आ जाएगा, अब आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अप्रैल का अब लास्ट वीक चल रहा है, तो इस वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी देखते हैं दोस्तों, अगर अप्रैल के लास्ट वीक में आता है तो, नहीं तो दोस्तों देखो, मई में तो आना ही है, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, अब पेमेंट नहीं रोक सकते, क्योंकि ट्रेजरी के पास भी पेमेंट
भिजवा दिया गया है। पेंट आपके बहुत जल्द आ जाएंगे, आप थोड़ा वेट और कर लो दोस्तों। बाकी दोस्तों फालतू रामायण करने में कोई फायदा नहीं है, आज की तो यही अपडेट है। आप समझो या ना समझो, अब आप कॉमेंट करोगे कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही, बिल पास हो रहे हैं। तो दोस्तों हमने तो बता दिया, देखो ऐसा है कि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, ये जब हाजिर के पास पेमेंट भिजवा दिया गया है ये आएंगे तभी आएंगे, इनका तो कोई हमारा भी जोर नहीं चलता कि हम आपके पेमेंट भिजवा दें। तो दोस्तों देखो तो हम तो यही कह सकते हैं कि आप थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि अप्रैल की लास्ट अपडेट थी, तो अब अप्रैल का लास्ट वीक भी चल रहा है। बाकी दोस्तों आज सारे दिन की बिल पेमेंट की यही अपडेट है, आज बूंदी डिस्ट्रिक्ट का ही बिल पास हुआ है। बाकी देखो देर रात तक अगर किसी भी ज़िले का बिल पास होता है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। और दोस्तों पेमेंट की अपडेट का तो हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब हम आपको पेमेंट की कुछ खबरी सुनाएं और कब आप खुश हो। बाकी दोस्तों देखो आज की वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बाकी हम आपको टाइम से अपडेट देते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट बेरोजगार भत्ते की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।